ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं, अगर इस इश्यू को मैं रेज नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनॉग्रेट करने हमारा क्षेत्र आए तो साइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहां प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, साइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। साइना कितना तरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा, जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ, वो आसाफिला आज साइना का कब्जा में है। ओल माजा साइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर साइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छापता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में साइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर।